हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य चल रहा था, तो मैंने व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य में मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताए थे बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न क्या क्या होते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। ठीक है, आज के कुछ क्वेश्चन बनते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं कुछ, उनके बारे में हम बात करते हैं। और मैंने जो ये प्रश्न बनेंगे, मैंने आपको ये अच्छे से पिछली जो वीडियो कराई हैं उनमें से भी अच्छे से क्वेश्चन करा दिए हैं। तो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? वे सभी क्रियाएँ जो धन अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती हैं आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। यानी वे सभी क्रियाएं होती हैं जो धन अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। जैसे श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में कार्य करना, अगर कोई श्रमिक किसी फैक्ट्री में कार्य करने के लिए जाता है तो उसका जो उद्देश्य धन कमाना होता है, इसलिए वो क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया। ठीक है, उसके बाद है, लिखा हुआ है, अध्यापक द्वारा विद्यालय में अध्यापन कार्य करना, अगर कोई अध्यापक या कोई शिक्षक किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहा है तो जो उसका उद्देश्य है धन ही कमाना है। कोई जो अध्यापक है वो फ्री में पढ़ाने तो नहीं जाएगा ना, तो वो कुछ ना कुछ धन ही कमाने के लिए जा रहा है, तो उसका उद्देश्य धन कमाना है, इसलिए वो क्या है? आर्थिक क्रिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है, डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक में कार्य करना, अगर कोई डॉक्टर है अपने क्लिनिक में कोई कार्य कर रहा है तो उसका भी जो क्या उद्देश्य है? लाभ ही कमाना होता है। यानी वो क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया। कुछ इसके एग्जांपल थे, जैसे श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में कार्य करना, अध्यापक द्वारा विद्यालय में अध्यापन कार्य कराना, डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक में कार्य कराना, आदि सभी अपनी जीविकोपार्जन के लिए कार्य कर रहे हैं, अतः ये सभी आर्थिक क्रिया में संलग्न हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? आर्थिक क्रिया हैं। मैंने आपको ये अच्छे से ऑफलाइन भी बता दिया है और ऑनलाइन भी आपको मैंने अच्छे से करा दिया है। तो आपके जो सेकंड प्रश्न बनता है, अनार्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, यानी अनार्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसी क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण या उपभोग से संबंधित नहीं हैं, जिनको धन अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, वो सभी क्या होती है? अनार्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अनार्थिक क्रिया, जैसे आप कोई सेवा किसी के लिए कर रहे हो तो उससे पैसे नहीं लोगे, अगर किसी का आप देखते हो किसी रोड एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप उसको किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में अगर भर्ती कर देते हो तो उसके लिए आप पैसे तो लोगे नहीं, तो वो क्या एक सेवा उद्देश्य है? किसी की आप मदद कर रहे हो तो वो भी सब क्या है? अनार्थिक क्रिया है। यानी वह क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है उन्हें हम बोलते हैं अनार्थिक क्रिया। ठीक है, जैसे अगर आप कोई मम्मी जी के लिए काम कर रहे हो तो वो भी क्या है? अनार्थिक क्रिया। तो अब बात जानते हैं हम अनार्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया में क्या अंतर होता है। तो लघु क्वेश्चन में बनता है ये, आर्थिक क्रियाओं में अनार्थिक क्रियाओं में दो अंतर बताइए। तो आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया का प्रमुख उद्देश्य धन कमाना होता है, जैसे दर्जी का कपड़े सिलना, नाई द्वारा बाल काटना, ये सब क्या है? आर्थिक क्रिया। अगर किसी के आप नाई के पास बाल कटवाने के लिए जाते हो तो भी आपसे अगर बाल काटे हैं, आपको सेवा दिया, तो उसके बदले आपसे धन लेगा, पैसे लेगा। अगर दर्जी के पास आप कपड़े सिलवाने के लिए जाते हो तो वो भी आपसे क्या लेगा? पैसे लेगा, तो वो भी क्या है? आर्थिक क्रिया है। कोई ऐसा दर्जी दिखाया आपने, आप अपने उससे कपड़े सिला लो और फ्री में आपके कपड़े सिल दे, ऐसा तो नहीं है। अगर कोई आपके नाई बाल काट रहा है तो फ्री में तो बाल काटता नहीं है, कुछ ना कुछ आपसे फीस लेता है, वो क्या है? आर्थिक क्रिया। ठीक है, और अनार्थिक क्रिया क्या होती है? अनार्थिक क्रिया का प्रमुख उद्देश्य सेवा भावना होता है, जैसे भगवान की पूजा करना। भगवान की अगर आप पूजा कर रहे हो तो भगवान की पूजा करने से पैसे आएंगे? नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान की पूजा कर रहे हो तो वो क्या है? अनार्थिक क्रिया है। भूखों को भोजन देना आदि, भूखों को भोजन दे रहे हो तो उसके बदले आपको कुछ मिलना तो है नहीं, आपको धन तो मिलने नहीं है, तो ये सब क्या है? अनार्थिक क्रिया होती है। वे क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं, वे केवल सेवा भावना के उद्देश्य से की जाती हैं, उन्हें हम अनार्थिक क्रिया बोलते हैं। तो इसका जो उद्देश्य मैंने बता दिया, आर्थिक, अनार्थिक, और अनार्थिक क्रिया की जो प्रेरणा स्रोत है, आर्थिक क्रियाओं का प्रेरणा स्रोत आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। आपको पता है आपकी आवश्यकताएँ सीमित हैं, लेकिन आपके पास संसाधन सीमित होती हैं,
तो ये जो है इसका आवश्यकताओं की संतुष्टि करना आर्थिक क्रिया होता है। अनार्थिक क्रियाओं का प्रेरणा स्रोत भावनाओं से संबंधित होता है, क्योंकि भगवान की पूजा कर रहे हो आप, भूखों को भोजन खिला रहे हो, ये सब क्या है, आपकी भावनाएं होती हैं, तो ये क्या है, अनार्थिक क्रिया। ठीक है, उसके बाद है व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय का तात्पर्य समस्त वैद मानवीय एवं आर्थिक क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु धनार्जन द्वारा लाभ कमाना है। यानी मैंने आपको बताया व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम व्यवसाय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा। ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने के लिए की जाती हैं उन क्रियाओं के लिए व्यवसाय शब्द का उपयोग किया जाता है। इस अवधारणा के अनुसार भिन्न भिन्न उपायों से अधिकतम लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य होता है। ठीक है, जो व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना ही होता है। ठीक है, ये क्या थी, प्राचीन अवधारणा थी। फिर व्यवसाय की पांच विशेषताएं, अगर आपसे लघु क्वेश्चन में पूछता है व्यवसाय की पांच विशेषताएं बताएं, तो आप पांच विशेषताओं के बारे में बता सकते हो। मानवीय क्रियाओं का समावेश, वस्तु सेवा का लेन देन, लाभ प्रयोजन, क्योंकि व्यवसाय के मैंने आपको ये डिटेल में करा दिए हैं, केवल मैं रिवीजन के तौर पर आपको बता रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, लघु क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, दीर्घ क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, उसके बारे में केवल मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, व्यवसाय है, व्यवसाय मानवीय क्रियाओं का समावेश होता है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय मानव के द्वारा ही किया जाता है, किसी जानवर के द्वारा कोई व्यवसाय नहीं किया जाता है। वस्तु तथा सेवा का लेन देन, जो व्यवसाय है उसमें वस्तु और सेवा का लेन देन होता है। उसके बाद है लाभ प्रयोजन, कोई भी आप व्यवसाय कर रहे हो उसमें लाभ को अधिकतम करना होता है, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिसमें कोई ये नहीं चाहेगा लाभ नहीं हो। फिर लाभ की अनिश्चितता, यानी लाभ की अनिश्चितता, भविष्य में होने वाले लाभ की। फिर व्यवसाय की वैधानिकता, ये सब क्या है, व्यवसाय की पांच विशेषताएं हैं, ये आप अपनी बुक से डिटेल में भी पढ़ सकते हो और मैंने मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई गई है उससे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है पेशे का अर्थ। पेशे से आशय उन मानवीय आर्थिक क्रियाओं से जिसमें व्यक्तिगत, यानी व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण तथा योग्यता के माध्यम से अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत सेवा एक निश्चित प्रतिफल के बदले करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैसा। तो एग्जांपल मैंने बताए थे, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या अपने विशिष्ट ज्ञान से लोगों का इलाज करता है, अपनी योग्यता, अपने अनुभव से, अपने प्रशिक्षण के द्वारा, तो क्या करता है डॉक्टर, अपने जो मरीज है, जो अपने पेशेंट है उनका इलाज करता है। वकील है, वकील क्या है, अपने जो क्लाइंट है उनको मदद करता है। उसके बाद तुम्हारा सीए है, सीए क्या है, जो अपने जो क्लाइंट है उनको, उनके बारे में बताता है, कोई प्रॉब्लम है तो किसी रियल एस्टेट में या ट्रेडिंग में या पी एंडल में, तो उन सब के बारे में बताता है। ये सब क्या है, पैसे। यानी जो पैसा है उसमें मानवीय क्रियाओं का, जो मानव है, मानवीय आर्थिक क्रिया होती है, क्योंकि जिसमें अपने जो व्यक्ति है उसको अपने विशिष्ट ज्ञान होता है, अनुभव होता है, प्रशिक्षण होता है, योग्यता द्वारा ही एक पेशेवर व्यक्ति बनता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या है, MBBS MD की डिग्री लेनी पड़ती है। CA है, CA को चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेनी पड़ती है। CS होता है, कंपनी एग्जीक्यूटिव। तो ये सब क्या है, पेशेवर व्यक्ति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है व्यवसाय तथा पेशे में तीन समानताएं बताएं। तो मैंने आपको व्यवसाय और पेशे की 6-7 समानताएं बताई थी, अगर लघु क्वेश्चन में आता है तो तीन समानताएं भी आप लिख सकते हो। पहला लिखा हुआ है व्यवसाय तथा पेशा दोनों के लिए अनुभव, योग्यता तथा प्रशिक्षित होना अति आवश्यक है। आपको भी पता है जो व्यवसाय और पेशा दोनों के लिए अनुभव होना जरूरी है, योग्यता का भी होना है और प्रशिक्षित होना भी अति आवश्यक होता है। व्यवसाय तथा पेशा दोनों में जोखिम पाया जाता है, आपको पता है व्यवसाय है चल भी सकता है, नहीं भी है, पेशा है किसी की दुकान चल भी सकती है। अब डॉक्टर है, हर किसी के पास डॉक्टर पे इलाज कराने आ भी सकते हैं, मरीज नहीं भी आ सकते हैं, उसे फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो जोखिम दोनों जगह ही पाया जाता है। व्यवसाय और पेशा दोनों में सेवा भावना होती है, किसी के प्रति सेवा करने का उद्देश्य होता है। अगर उसमें कोई व्यवसाय में कर्मचारी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो उनकी सेवा करना होता है, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस देना है। पेशे है, डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, सेवा करता है, किसी दूसरे व्यक्ति अगर इलाज कराने जा रहे हैं तो उसके बारे में इलाज को ठीक करता है, ये सब क्या है, सेवा भावना होती है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है व्यवसाय पेशा में तीन अंतर बताइए। लघु क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्यवसाय तथा पेशे में तीन अंतर बताइए। तो व्यवसाय का जो पहला अंतर है, जो पेशा है, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है,
और जो पेशा है पेशा का उद्देश्य सेवा करना, सेवा करते हुए लाभ कमाना होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, शिक्षक का किसी स्कूल में पढ़ाना, फुटकर या थोक व्यापारी द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना, उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना, फुटकर या थोक व्यापारी द्वारा किसी वस्तु का विक्रय करना, या फिर पेशा क्या होता है जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सब किस में आते हैं, पेशे के अंदर आते हैं। व्यवसाय के लिए सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है, पेशे के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो व्यवसाय उसमें एक सामान्य ज्ञान का व्यक्ति, सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, लेकिन जो पेशा है उसमें एक योग्यता लेनी पड़ती है। जैसे सीए है, सीए को चार्टर्ड अकाउंटेंट की लेनी है, वकील है उसको भी लॉ की पढ़ाई करनी है, ये सब क्या है, कोई इंजीनियर है उसे इंजीनियर की पढ़ाई करनी है, ये सब एक विशिष्ट ज्ञान होता है इसे। उसके बाद है व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है, पैसे में जोखिम कम होता है। ये बात सही है, जो व्यवसाय है उसमें जोखिम अधिक हो सकता है क्योंकि उसको पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी अगर लॉस हो गया तो उसकी पूंजी भी जा सकती है, लेकिन जो पैसा है उसमें पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें जोखिम कम पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है रोजगार से क्या तात्पर्य है। मैंने आपको रोजगार के बारे में अच्छे से समझाया था। रोजगार का अभिप्राय ऐसे धंधों से है जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं, बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। यदि पारिश्रमिक वेतन व मजदूरी आदि के रूप में हो सकता है तो उसका भुगतान मासिक, साप्ताहिक, दैनिक व हो सकता है। यानी आपको मैंने बताया था, कोई व्यक्ति है दूसरों के लिए जो कार्य करते हैं बदले में उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है, उसे हम रोजगार बोलते हैं। आपके आसपास देखा होगा लोग कंपनियों में काम करने के जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करने के लिए जाते हैं, उसमें पूंजी की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, तो वो क्या है, एक रोजगार है। वो उसके बदले जब कार्य कर रहे हैं उसके बदले उन्हें क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। तो ठीक है, मैंने आपको लघु क्वेश्चन पहले टॉपिक के बता दिए हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।